नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति सिंगल के नाइन मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेमौसमी बारिश से खराब हुई धान की फसल के मुआवजे को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने लघु सचिवालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज ये जो मामला है, बेमौसमी बारिश ने इस प्रदेश और क्षेत्र के इस अन्नदाता का बेहाल कर दिया है। हमने मांग की है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि इन किसानों की सुनिए। हमारी छह मुख्य मांगे हैं। एक हमारी मांग ये है कि इसी सीजन में मार्च अप्रैल में गेहूं पे हमारे क्षेत्र में काफ़ी एरिया खराब हुआ था और वो बीमा कंपनी ने पैसा भी पास कर दिया था, वो पैसा आज तक नहीं मिला है। हमारी मांग है वो पिछला बकाया पैसा तुरंत मिलना चाहिए और इसी साल अप्रैल में हजारों एकड़ तेज आंधी चल रही थी, पता नहीं किस कारणों से कई गांव में काफ़ी फसलें जली थी, उसका मुआवजा भी तुरंत अभी देना चाहिए, वो अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरी हमारी मांग है कि स्पेशल गिरदावरी की जाए और 3 दिन के अंदर अंदर की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि पटवारी के साथ एक कृषि विभाग का अधिकारी भी गिरदावरी के समय साथ में होना चाहिए, गांव के मौजूद आदमी भी 2-4 जी। और एक हमारी मांग ये भी है कि चाहे किसी किसान का बीमा है चाहे बीमा नहीं है, सभी किसानों का ये मुआवजा मिलना चाहिए। और एक हमारी मांग ये है कि इस देश के अन्नदाता किसान को प्रति एकड़ कम से कम 40,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। और एक हमारी मांग यह है कि फसल बेमौसमी बारिश होने से चाहे कपास है चाहे बाजरा है चाहे धान है, उसकी गुणवत्ता में खराबी आ चुकी है, उसकी क्वालिटी में थोड़ा अंतर आ चुका है। जब ये किसान मंडी में लेके जाए इसके मानकों में ढील दी जाए, ये नहीं कि ये तो आपकी खराब क्वालिटी है। हमारी मांग है कि सरकारी रेट पर MSP पर सारी की सारी फसलें खरीदी जाए और इससे कम कोई ना खरीदी जाए। और एक हमारी ये भी मांग है कि महाराष्ट्र की तर्ज पे इस प्रदेश में भी कानून बनाया जाए, अगर MSP से कम कोई खरीद करता है तो 1 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया जाए। इन मांगों को लेकर हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है और SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं तुरंत मुख्यमंत्री महोदय को आपका ये ज्ञापन की कॉपी भेज देता हूँ। और इस क्षेत्र की ये भी मांग है जिन गांव में पानी फ्लडेड हो चुके हैं 24 घंटे बिजली दी जाए, वो SDM साहब ने हमारे सामने ये बात मान ली, एक्शन साहब से वो करवा दिया है। कुछ SDM साहब के जो लेवल की मांगे थी वो SDM साहब ने करवा दिए हैं। बाकी मांगे जो मुख्यमंत्री के लेवल की हैं वो मुख्यमंत्री को अगर हमारी बात को मान लेता है, 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे देता है और सभी किसानों को चाहे बीमा है चाहे बीमा ना है, अगर हमारी बात मान ली जाती है तो ठीक है, वरना इस क्षेत्र और हरियाणा प्रदेश के किसान इस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। यहाँ गोहाना सब डिवीजन के अनेकों गाँव के लोग हैं, चाहे कथूरा है, रेंडाणा है, धनाणा है, भावड़ है, भंडेरी है, मदीना है, अनेकों गांव के सभी गोहाना क्षेत्र सब डिवीजन के सभी पीड़ित लोग, हाँ सभी लोग अपने ट्रैक्टर ट्रालियों भर कर आए हैं और बहुत भारी संख्या में ये लोग यहाँ आए हैं, पीड़ित हैं। आज किसान दुखी है, इस देश का अन्नदाता दुखी है, इससे बुरा इस किसान का समय आ नहीं सकता। किसानों की मांग है कि हमारी तुरंत सुनवाई हो जानी चाहिए। मैं संदीप जैन, आम आदमी पार्टी, कल घावड़ गांव में गए थे तो वहां पे देखा, मतलब कि जो फसलें हैं पानी ऊपर के हैं और फसलें दिखाई नहीं दे रही, तो समस्या जो किसानों की है वो बहुत गंभीर है। तो इसके लेकर आज जो भावड़ है, बनवासा है, वो ग्रामीण आए हुए हैं यहाँ पे और सरकार से पुरजोर तरीके से केवल एक मांग कर रहे हैं कि हमारी फसल टोटली ख़राब हो चुकी है, हमको फसल का 100% नुकसान चाहिए। 100% जो बीमा कंपनियां जो आपने खोल रखी हैं वो केवल फायदे के लिए खोल रखी हैं, किसान का उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो किसान को 100% मुआवजा चाहिए उसमें, और जो कम से कम 50 से 60 जो मकान जर्जर हुए हैं उनका भी 2-2.5 लाख जो मुआवजा है सरकार को, वो मुआवजा देना चाहिए। फसलें खराब हो चुकी हैं, पहले साथी बता भी चुके हैं कि जो फसलों की गुणवत्ता है कि वो मानक ना लिया जाए,
फसल जैसे चाहे ईंख हो चाहे गेहूँ हो, अगर उनका मानक मूल्य नीचे आ रहा तो हमको उसी भाव में उस फसल को लेना चाहिए। और ये साथी औरों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि किसान ही ऐसी चीज़ है जो हमको पेट भर रहा है, और किसानों के साथ हमको हमेशा रहना चाहिए, और इनकी हक की लड़ाई के लिए हम आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर सरकार ना माने तो हमको चाहे खट्टर साहब के दरवाजे तक जाना पड़ो और चाहे उनको ठोक के कहना पड़ो कि भाई हमको मुआवजा चाहिए, और मुआवजा इसलिए मांग रहे हैं कि हमारी फसलें टोटली ख़राब हो चुकी हैं। और जब किसान हताश होगा निराश होगा तो प्रदेश की जनता भी खुशहाल नहीं रह सकती। तो ये सर ये बेमौसमी बरसात के कारण काफ़ी तहसील से काफ़ी काम शुरू करवाए हैं, गढ़वाल से, भाव से, निजामपुर से, बनासा से, कई जगह से, क्या समस्या? इनकी समस्या में बरसात के कारण पानी भर गया, उसकी निकासी के बारे आते हैं लोग, और निकासी के लिए हमने बनवासा में पंप स्टार्ट करा दिए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो और पंप बढ़ा कर निकासी करवा दी जाएगी। हाँ, जहाँ से भी किसान आए हैं सभी पानी की निकासी की समस्या है, उसके लिए हमें जल्द से जल्द समाधान कर रहे हैं पानी की निकासी का। एक्शन इरीगेशन को इसके बारे में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं SD महोदय की तरफ से। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।